अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हमारे साथ मैम सोबिया फलक मौजूद हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में 25th पोजीशन हासिल की और इस टाइम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एलोकेट हुई। और मैम से पूछते हैं कि मैम ने कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे की, कहाँ से की और इनकी टेक्निक क्या थी हर सब्जेक्ट को लेके। जी मैम, थैंक यू सो मच हमजा। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन CSS एग्जाम्स, जिनमें आपको अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप एक सेफ जोन में चले जाते हैं, ठीक है। तो और इनमें खास तौर पर जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश एसे एंड प्रेसी दोनों पेपर्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी जो जब आप CSS की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपकी इन्हीं पर ग्रिप होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश में बेसिक ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और आपका रिटन एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ बात आ जाती है रिटन एक्सप्रेशन की। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद रिटन एक्सप्रेशन अच्छा होने का मतलब है बड़ी बड़े मुश्किल से जार्गन्स और बड़ी फ्लावरी सी लैंग्वेज, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिटन एक्सप्रेशन अच्छा होना इज समथिंग वेयर यू ट्राई टू एक्सप्रेस यूर सेल्फ, जहाँ पे आप एग्जामिनर को समझाना चाह रहे हो, उसको ईजी वर्डिंग में आप करके समझाए। कुछ लोग बहुत मुश्किल इंग्लिश लिखते हैं और वो आपको समझ नहीं आती, तो वो इतनी मैं ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करती। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपने इर्द गिर्द लोगों का एक्सपीरियंस देखूँ, तो आप सिंपल लिखें लेकिन खूबसूरत, मीन्स के आपकी ग्रामेटिकली आपकी जो इंग्लिश है वो करेक्ट होनी चाहिए। दूसरा ये कि इंग्लिश ऐसे की प्रिपरेशन के लिए आपको एक्सटेंसिव रीडिंग्स की ज़रूरत है। अब इसमें कुछ एस्पिरेंट्स का मानना होता है कि कोई उन्हें एक बुक मिल जाए ऐसे की जहाँ से वो सारे एसेज प्रिपेयर कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी भी एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको नहीं आ सकती। इसमें मेरा जो एक जो तरीका था वो ये था कि मैंने कुछ 20 एरियाज जो है ना, वो टोटल 20 एरियाज निकाल लिए थे, जिसमें आपके पास एजुकेशन आ जाता है, इकोनॉमी आ जाता है, ग्लोबलाइजेशन, फॉरन एड, आपके पास जो है ये उसके अलावा यूएस चाइना ट्रेड वार, जैसे अब जाहिर है मेरे टाइम पर ये चीज़ ज़्यादा चली थी, यूएस चाइना ट्रेड वार हो गई, कश्मीर इशू हो गया, कुछ आपके स्पेसिफिक एरियाज हैं, आप उनको एरियाज को निकालें और उनको हर एंगल से कवर करें कि अच्छा एजुकेशन का डेमोक्रेसी के साथ लिंक ना आ जाए, गुड गवर्नेंस पर, मतलब उनको हर आप एंगल से कवर करें कि कैसे भी एग्जामिनर कुछ पूछ ले तो आप उस पर लिख सकें। एक तो ये चीज होगी। और इसमें कभी भी ये नहीं हो सकता कि कोई एक बुक से ऐसे को रट्टा लगा लें आप, ऐसा हो जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं। कंपल्सरी सब्जेक्ट में सबसे पहले तो जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है, उसमें आपके पास कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं है जिससे आप कहें कि मैं इसे तैयारी कर लूँ और ऐसे की तैयारी हो जाए। हाँ, उसमें कुछ रीडिंग्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वो रीडिंग्स करें तो वो आपको बड़ा हेल्प आउट करती हैं। जिसमें सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करती हूँ तमाम एस्पिरेंट्स को, वो है वाई नेशंस फेल, ठीक है, बहुत जबरदस्त बुक है ये। ना सिर्फ आपको एसे के पेपर में भी, बाकी करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, IR, बहुत जगह पे आपको हेल्प आउट करेगी। फिर उसके बाद 21 लेसंस फॉर द 21st सेंचुरी बाय यूएल नोआ हरारी, ये बड़ी जबरदस्त बुक है जो मैं एस्पिरेंट्स को कहती हूँ पढ़ें। और उसके अलावा सर हमूद रांझा ने एक कंपाइल की हुई है बुक, आपको अगर आप चाह रहे हैं कि आप डिफरेंट बुक्स ना खरीदें और वो सिर्फ वो पढ़ लें, 100 ग्रेट रीडिंग्स फॉर अ ग्रेट एस्पिरेंट, बहुत जबरदस्त। उसमें तमाम जो बर्ट्रेंड रसल की राइटिंग्स, विल ड्यूरांट की, यूएल नोआ हरारी की, सब की ने कंपाइल, शाहिद सिद्दीकी की, एजुकेशन पर मैं शाहिद सिद्दीकी की अगर आप, तो ये सिर्फ इन्हीं सोर्सेज को कंसल्ट कर लें। और अगर मैं इसके अलावा अगर आप एसे में थोड़ा एक्सप्रेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं कि अच्छा आपके पास हार्ड फॉर्म में कोई एसे सॉल्व हो, तो मैं कहती हूँ कि राहील सफ़ी के एसे जो हैं वो पढ़ें, एसे इंसाइक्लोपीडिया बाय राहील सफ़ी, वो बहुत बहुत अच्छे एसे लिखे हैं उन्होंने। प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, तो उसके बाद उसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स भी हो ना, 1980 से लेकर अब तक के सारे पास पेपर्स हों, और आपको उसके लिए एक मेंटोर जरूर चाहिए जिससे आपको इवेल्युएशन करवानी ही करवानी है प्रेसी और एसे के पेपर के लिए, ठीक है। तो फिर प्रेसी के पेपर वो अपना पेपर सॉल्व करें, वो चेक करवाते जाएं। लेकिन अगर आपको सॉल्व भी चाहिए, आपने याद करना है, तो हाफिज करीम दाद चुगताई की बुक है प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन की, वो वाली ले लें। फिर आप आ जाएंगे करंट अफेयर्स की तरफ, तो करंट अफेयर्स में भी मैंने खुद से कोई एज सच बुक नहीं फॉलो की करंट अफेयर्स से रिलेटेड, मैंने डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ती थी, डॉन न्यूज़पेपर हो गया, उसके अलावा अल जजीरा की मैं स्टार्ट हेयर सीरीज जो है वो रेगुलरली देखती थी, उसके अलावा
किसी टॉपिक से रिलेटेड उसका बैकग्राउंड सारा चाहिए तो वो bbc.com उनकी वेबसाइट पे जाकर देखे, उन्होंने बड़ा अच्छा बैकग्राउंड करंट वो सारा बड़ा अच्छा दिया होता है bbc.com। ठीक है, उसके अलावा strayfacia.com एक वेब आपको मिल जाएगी, वहां पर जो है बड़े अच्छे आर्टिकल्स होते हैं strayfacia.com, और खास तौर पर जिन्होंने IR रखा हुआ है और करंट अफेयर वो दोनों के लिए बेस्ट है। फिर उसके बाद आप जो है कोश ऐप, वहाँ से आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिल जाती हैं, और किसी टॉपिक पे जैसे कि कश्मीर इश्यू पर आपने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लिखनी है तो वो डिफरेंट इन चीज़ों से देख कर लिखें। फिर वाइट साइड चैनल है, मैं उसको फॉलो करती थी, वहाँ से आपका क्रिटिकल एनालिसिस बड़ा अच्छा बिल्ड होता है। तो ये बेसिकली जो है करंट, और उसके अलावा जनवरी में गोल्डन नोट्स आते हैं SSP हमाद साहब के, तो वो मैं ज़रूर पढ़ती थी, और मैंने ख़ास अपने 3-4 दिन उसके लिए रखे होते थे अपना सिलेबस कवर करने के बाद कि मैंने ये अपना टाइम इसको ही देना है। पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड जो बुक्स मैंने कंसल्ट की, सोर्सेज मैंने कंसल्ट किए, वो मैं शेयर कर देती हूँ, और आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। उसमें एक बुक आप सईद अहमद भट्ट की बुक है एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान, वो ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा 29 लेक्चर सीरीज़ है यूट्यूब पर डॉक्टर हसन अस्करी के, वो बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, और मेरा पैटर्न ये था कि मैं डेली एक वीडियो उनकी देखा करती थी, और 29 डेज में उसके साथ साथ मेरे बाकी सब्जेक्ट्स भी चल रहे थे, और डेली एक वीडियो मैं उसकी देख के और साथ अपने नोट्स बनाती थी। और अगर आप बने बनाए उनके नोट्स लेना चाहते हैं तो वो आपको स्टूडेंट टीचर सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मिल जाएंगे। तो ये दो पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड इनफ है, बाकी जो उसका करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो आपका करंट अफेयर्स की तैयारी के साथ हो जाता है। इस्लामियत के लिए मैंने दो बुक्स कंसल्ट की थी, एक तो हाफिज करीमदार चुगताई की बुक थी और दूसरी हाफिज अरशद चद्दर की बुक थी इस्लामियत की। मैंने इन दोनों का मिक्स करके और प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की 3 बुक्स मिलती हैं, वो 3 डिफरेंट कलर्स में होती हैं, तो मैंने ये मैंने सोर्सेज सिर्फ इस्लामियत के लिए कंसल्ट किए थे, एंड दे आर मोर देन इनफ। थैंक यू।